हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एनी और आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही फायदेमंद और इंटरेस्टिंग एक पेन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है लकी बैम्बो। लकी बैम्बो अगर आपके घर में रखेंगे तो आपके घर में अकॉर्डिंग टू फेंगशुई ये प्लांट आपके घर में लव, खुशी, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये प्लांट आपके घर पर रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे और नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लकी बैम्बो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है लकी बैम्बो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में भी। मोस्ट ऑफ इट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड ताइवान। लकी बैम्बो एक्चुअली इसका नाम बैम्बो पड़ा है, लेकिन ये बैम्बो नहीं है, ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है। और लकी बैम्बो का और एक नाम है, इसको चाइनीज वाटर बैम्बो भी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पानी में ही ज़्यादातर इसको उगाया जाता है, ज़्यादा ग्रो किया जाता है और ये इजीली ग्रो भी हो जाता है पानी में, इसलिए इसको चाइनीज वाटर बैम्बो भी बोला जाता है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर में ग्रो कराएंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट इसमें ना हो, इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिएगा तो काफ़ी ये सुंदर से ग्रो होगा। और तो चलिए अभी लकी बैम्बू को आप कैसे इसको केयर करें, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप लकी बैम्बू को घर पे पानी में उगाएंगे, पानी में ग्रो करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि ये इसका पानी जो है रोज चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी है फ्रेंड्स। और ठहरा हुआ पानी में आपको पता ही है जर्म्स, फंगस, बैक्टीरिया और मच्छर पनपने लगता है, और ये आपके लिए सेफ नहीं है, आपके घर के लिए सेफ नहीं है। तो इसलिए रोज इसका पानी चेंज कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 वीक में एक बार जरूर इसका पानी चेंज कीजिएगा, ताकि आपका घर स्वस्थ और हाइजेनिक रहे। और जब भी आप पानी दे, इसको टैप वाटर मत दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन होता है और क्लोरीन आपकी पौधों के लिए, आपके प्लांट के लिए सही नहीं होता है। इसका पत्ते और इसकी रूट्स गलने लगता है क्लोरीन से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो पानी पीते हो घर में फिल्टर्ड वाटर, वही इसको दीजिएगा, ताकि आपका जो प्लांट है ये ताज़ा रहे और स्वस्थ रहे। फ्रेंड्स, इसके पॉट को भी अच्छी तरह से धोइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है कि फंगस और बैक्टीरिया इसमें ना रहे। क्या फ्रेंड्स, आप लोग को पता है बैम्बू प्लांट जो है ये अकॉर्डिंग टू फेंगशुई गुड लक लाते हैं। और अगर ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई आपका चाहने वाला, आपका कोई फ्रेंड आपको अगर ये लकी बैम्बू गिफ्ट करे, तो ये ज़रूर मान लीजिए कि आपके घर पे आपके लाइफ में खुशी आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। इसीलिए जितना हो सके आपके फ्रेंड को भी आप गिफ्ट करें और लकी बैम्बू इन रिटर्न आप गिफ्ट भी आप ले लीजिए। नहीं तो आप बताइए कि मुझे भी गिफ्ट दो, एक मुझे दे दो भाई, एक तू ले ले, तो ऐसे भी आप गिफ्ट कर सकते हैं और आपके घर में देखिएगा तब खुशी ही खुशी आएंगे। और फ्रेंड, जब भी आप इसको लकी बैम्बू का घर में पानी में ग्रो करेंगे, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसको भर भर के पानी इसमें मत दीजिएगा। भर भर के पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जो रूट्स है फ्रेंड्स, जो रूट्स है, रूट से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर तक आप पानी दीजिए, उससे ऊपर नहीं, ऊपर तक नहीं। क्योंकि अगर आप ऊपर तक पानी देंगे तो ऊपर का जो पार्ट्स है ये प्रॉब्लम में आ सकता है और इसका जो रूट्स और स्टीम ये गल सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पानी दो तो रूट से 1 सेंटीमीटर ऊपर, उससे ऊपर नहीं। आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो अगर आपका घर पे लकी बैम्बू हो तो बीच बीच में एक बार आप चेक करते रहे कि इसका बीच में कोई सरा हुआ स्टीम ना हो, क्योंकि एक सरा हुआ स्टीम पूरा पौधा का पूरा प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए देखिए, मेरा भी यहाँ पे 1-2 पीस, जैसे कि ये देखिए, ये सर गया है बीच में। अगर मैं ये इसके बीच में रखूँगी तो पूरा सारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप चेक करते रहिए, बीच में अगर ऐसा कोई मरा हुआ, कोई सरा हुआ कुछ प्लांट है तो इसको तुरंत आप निकाल दीजिए, नहीं तो पूरा सर जाएगा। और इसको उसके बाद आप पानी में, नहीं तो आप इसको सॉइल में भी उगा सकता है, सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। और बीच बीच में जो ये येल्लो लीव्स होता है फ्रेंड्स, इसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि एक जो सरा हुआ ख़राब लीव्स फंगस से दूसरा लीव्स को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए आप चेक करते रहे, जब भी आप ख़राब स्टेम, ख़राब लीव्स को आप देखें तो उसको तुरंत आप इसको निकाल दीजिए।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास पहले आए। तब तक के लिए अच्छी तरह से रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय।